हेलो फूडीज, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बिरयानी इज़ नॉट अ डिश, इट्स एन इमोशन। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कोलकाता स्टाइल चिकन बिरयानी की रेसिपी, वो बिरयानी जो आलू के बिना इनकम्प्लीट है। तो चलिए बनाते हैं चिकन बिरयानी कोलकाता स्टाइल में। तो सबसे पहले हम आलू बॉईल कर लेते हैं। मैंने 4 से 5 मीडियम साइज के आलू को आधा पतीला पानी में डाल दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून ऑरेंज फूड कलर। इसे अच्छे से पानी में मिला दें। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 2 टेबल स्पून दही। दही आलू के फ्लेवर को और इन्हांस करेगी। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर ले और इसे बॉईल होने के लिए छोड़ दे। आलू कोलकाता की बिरयानी की जान है। ये आलू ही है जो इस बिरयानी को बाकी बिरयानियों से अलग बनाता है। आप देख सकते हैं आलू हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। चलिए अब हम चावल तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 1/2 kg चावल का बिरयानी बना रही हूँ, तो मैंने एक दूसरे पतीले में चावल की क्वांटिटी से डबल पानी लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 तेज़पत्ता, अदरक थोड़ा सा कटा हुआ, 2 टुकड़ा दालचीनी, 2 छोटी इलायची, कबाब चीनी 4 से 5, 2 लौंग और शाहजीरा थोड़ा सा। इन सभी खड़े गरम मसालों को डाल के पानी को अच्छे से बॉईल कर ले। अब मैंने यहाँ पे 1/2 kg इंडिया गेट बासमती राइस लिया है। इसे मैंने पानी में डाल के 1 घंटा छोड़ दिया था। इसे अच्छे से धो के इसका पानी स्ट्रेन कर ले और इसमें ऐड करते हैं 3 से 4 टेबल स्पून दही। दही डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अब जो पानी हमने उबलने रखा था उसमें हम 1 नींबू निचोड़ देंगे। नींबू से चावल हमारा टूटेगा नहीं और बिल्कुल खिला खिला दिखेगा। पानी अच्छे से बॉईल हो गया तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल को हम ढककर 80% तक कुक होने देंगे। हमें चावल को पूरा नहीं पकाना है। आप देख सकते हैं चावल हमारा 80% तक पक चुका है और ये कितना खिला खिला दिख रहा है। चावल का पानी हम स्ट्रेन कर लेंगे और बढ़ते हैं चिकन की तरफ। मैंने यहाँ पे 1/2 kg चिकन लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप दही और 2 टेबल स्पून सॉल्ट। दही और सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर ले जिससे ये अंदर तक एब्जॉर्ब कर ले। दही हमारे चिकन को अंदर से जूसी बनाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर। इन सभी मसालों को डाल के अच्छे से मिक्स कर ले। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इस मैरिनेशन को 1/2 घंटा के लिए छोड़ देंगे। अब एक पैन में थोड़ा ऑयल गरम कर ले। ऑयल गरम हो गया तो 3 मीडियम साइज के प्याज को गोल्डन ब्राउन कर ले। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसका 1 हिस्सा हम बिरयानी में यूज़ करेंगे और बाकी का 2 हिस्सा चिकन में यूज़ करेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसी पैन में अब जो हमने आलू को बॉईल किया था उसे हम हल्का फ्राई कर लेंगे।
अब जो चिकन को हमने मैरिनेट होने के लिए रखा था उसे एक पैन में थोड़ा ऑयल डाल के हम डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हम इसे पहले ढककर हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, फिर गैस का फ्लेम लो करके इसे 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। हम थोड़ी थोड़ी देर में पैन का लिड खोलकर चिकन को अच्छे से चला लेंगे, इससे चिकन पैन के सरफेस में नहीं बैठेगा। ध्यान रहे हल्के हाथ से चलाएं इसे। और ये देखिए चिकन ने अपना पूरा पानी छोड़ दिया है, इसे हम थोड़ा सुखा लेंगे। और ये हमारा चिकन रेडी है। चलिए अब हम बिरयानी के लिए बिरयानी मसाला रेडी कर लेते हैं। मैं होममेड बिरयानी मसाला यूज़ करती हूँ, आप चाहे तो मार्केट में जो बिरयानी मसाला मिलता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिरयानी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 8 से 10 छोटी इलायची, 2 से 3 जायफल, 5 से 6 जामित्री, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े, 20 से 25 कबाब चीनी, 10 से 12 सफ़ेद गोलकी और 10 से 12 लौंग। इन सभी को तवे पर थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। अब इसे हम ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। चलिए अब हम बिरयानी की असेंबलिंग करते हैं। एक हेवी बॉटम पैन में थोड़ा तेल डाल दें। अब जो चावल हमने उबाल कर रखा था उसे आधा डाल दें। इसे अच्छे से चारों तरफ पैन में फैला लें। ऊपर से जो प्याज हमने गोल्डन ब्राउन किया था उसे थोड़ा हाथों से क्रश करके डाल दें। अब इसमें डालें 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर, थोड़े आलू बुखारे, जो आलू हमने बॉईल कर रखा था उसे डाल दें, और साथ ही जो चिकन हमने बनाया था उसे भी डाल दें। सभी को अच्छे से फैलाकर डालें। अब जो बाकी बचा हुआ चावल है उसे ऊपर से डाल दें। साथ ही थोड़ा बिरयानी मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर दें, और जो प्याज जो हमने गोल्डन ब्राउन किया था उसे भी डाल दें। लास्ट में हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध। दूध से हमारी बिरयानी नीचे से जलेगी नहीं। अब हम इसे ढककर दम पर पकाएंगे। हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 25 से 30 मिनट तक पकाना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो होना चाहिए। 25 मिनट हो गए हैं और ये देखिए बिरयानी की बहुत ही बढ़िया खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। और ये हमारा लाजवाब, टेस्टी और बिल्कुल मुंह में पानी लाने वाला कोलकाता स्टाइल चिकन बिरयानी रेडी है। तो आप भी इस बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक हम मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में।